नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। मुख्यालय के सबसे व्यस्त इलाके आला चौक के पास देर रात अलंकार ज्वेलर्स में दुकान की दीवारों में लगे शीशे तोड़कर दुकान के अंदर रखे सोने चांदी की जेवरात और नकदी पार कर दी गई। सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे जय कुमार ने नजारा देखा तो दंग रह गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मौका मुआयना कर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। चलिए सुनते हैं जय कुमार सोनी जो कि दुकानदार हैं, उनका इस चोरी को लेकर क्या कुछ कहना है। में जितना माल रहता है, सोना चांदी जो भी लगा रहता है, अब 300-400 ग्राम तो सोना होगा और लगभग जो है 30-35 किलो से कम चांदी नहीं होगी। कब की घटना है सर? ये रात की है। सुबह जब दुकान आए भतीजे हमारे, उन्होंने देखा कि ऊपर का बोर्ड फटा है, तो देखा तो वो जंगला भी कटा है, तो उन्होंने खबर की हम लोगों को। मौके पर पहुंची पुलिस के अधीक्षक जो है आरके गौतम जी, उनसे जानते हैं इस चोरी की जानकारी क्या है और कैसे पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। एक चोरी की सूचना मिली थी, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें तत्काल हम लोगों ने टीमों का गठन कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और CCTV फुटेज और जो भी सहायक चीज़ें हो सकती हैं हम उनका सहयोग लेते हुए शीघ्र इस घटना का खुलासा करेंगे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोरी की सूचना मिली थी, इस मामले में टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र से शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।